ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहां गर्मी बहुत ज्यादा और लंबे समय के लिए पड़ती है, पानी की जहां बेहद कमी होती है, वहां सिंचाई की इस पद्धति ने क्रांति ला दी है। जिन किसानों ने सिंचाई की इस तकनीक को अपनाया, उनके खेत जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। सिंचाई के इस तरीके से खेती और पैदावार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। और ये खुशहाली कोई छोटे इलाके में देखने को नहीं मिली, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्रफल के छठे हिस्से के बराबर है। देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य के बड़े हिस्से में किसान इस ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई के जरिए हर पल नए मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जानते हैं इस टपक सिंचाई की क्रांति का श्रेय इस मुल्क में किसे जाता है? बड़े भाऊ को, यानी भंवरलाल जैन को। ये हैं भंवरलाल जैन, एक ऐसे गांधीवादी उद्योगपति जिन्होंने समस्या को जड़ से समझने और मूल पर चोट करने का गांधीवादी फार्मूला ईजाद किया। न सिर्फ फार्मूला खोजा, बल्कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी लाखों किसानों को बताया। बड़े भाऊ यानी धरती पुत्र को हिंदुस्तान में टपक सिंचाई का जनक माना जाता है। कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि अपने इस मुकाम के ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी तक कुछ 5 मिलियन मतलब 50 लाख किसान के कुटुंबों तक हम पहुंच सके, वैसा देखेंगे तो अब ये समझिए कि ये कुछ भी नंबर नहीं है, क्योंकि इतना कुछ करना बाकी है कि उसके सामने ये नगण्य जैसा लगता है। अपने आप में 50 लाख किसानों के घर तक, उनके कुटुंब तक पहुंचना और उनके चेहरों पर हंसी लाना, उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाना जो कि पीढ़ियां पीढ़ियां उनको, जनरेशन टू जनरेशन उनको चलते रहे, ये अच्छी बात लगती है। भाव की कहानी खेती के ध्यानचंद वाली है, जिन्होंने 3 दशक में एक छोटे से खेतिहर किसान से आगे बढ़ते हुए पहले छोटी सी दुकान खोली और आज पहली पीढ़ी के कामयाब उद्योगपति हैं, जिन्हें लाखों किसान और हजारों छोटे निवेशक अपना आदर्श मानते हैं। 93 साल में 6 एकड़ थी, आज मेरे पास 40 एकड़ मेरी खुद की खेती है और उस पर मेरी जो वृद्धि हुई उसके हिसाब से आज मेरा माल सब एक्सपोर्ट होता है। उसके करते करते मेरी आज 40 एकड़ जमीन हो गई है। मेरा परिवार, मैं भंवरलाल भाऊ को बधाई देता हूँ कि उसके वजह से हमारी ये जो तरक्की हुई। अभी पहले हम साधारण पद्धति से लगाते थे केली, अभी ये ऑटोमाइजेशन सिस्टम लगाया, वो सिस्टम में पानी की बचत हो रही हमारी और मजदूरों की भी बचत हो रही और खतों की भी बचत हो रही और उत्पादन ज़्यादा आ रहा। भंवरलाल जैन साहब ने जो हमको ऑटोमाइजेशन बैठा दिया उसके वजह से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और वो उत्पादन बढ़ने से कम पानी में ज़्यादा फायदा हो रहा। एक ऐसा हिंदुस्तानी जो पिछड़े इलाके से सामने आया, जिसने अपने बूते दुनिया के नक्शे पर न सिर्फ अपनी मुकम्मल पहचान बनाई
बल्कि अपनी कंपनी के साथ लाखों परिवारों की रोजी रोटी को जोड़ दिया। सूखी बंजर जमीन में हरियाली और कई मजबूर लाचार परिवार में खुशहाली भर दी। एक हजार एकड़ में फैला महाराष्ट्र के जलगांव में ये गांधी शोध संस्थान है। बड़े भाऊ की प्रेरणा उनकी मेहनत और काम के प्रति उनकी ईमानदारी का ये जीता जागता सबूत है। जिसको कुछ करना है उसके लिए कुछ कम नहीं है। सेवा का काम करना है, सेवा के साथ साथ में अपने स्वार्थ से में भी परमार्थ देखना है, उनके लिए भी कुछ कम नहीं है। हम तो स्वार्थ में परमार्थ देखते हैं, ये बात तो नहीं है कि हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कर रहे हैं। ये बात तो नहीं है कि गांधी जी का जो मूल तत्व है उससे हम चल रहे हैं। गांधी जी का दूसरा तत्व था कि वो ट्रस्टीशिप के तरफ बहुत ध्यान देते थे कि आज एक आप समाज की जो भी कुछ दौलत है, वैचारिक हो, पैसे वाली हो, रिसोर्सेज वाली हो, उसके आप ट्रस्टी हो। आप ये मत समझे कि आप वो अलग हैं और आप अलग हैं। बस इसी विचारधारा को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम तो एक समाज का हिस्सा है। समाज से इतना कुछ लेते रहते हैं कि उसमें से कुछ न कुछ अच्छा हिस्सा हम उनको दे पाए तो हमें बड़ा आनंद होता है। जलगांव का ये गांधी शोध संस्थान नमूना है भाव की सोच का। समय की मांग के मुताबिक कम पानी में बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का। इस इलाके में भयंकर गर्मी पड़ती है, पारा 48 से 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। कुछ साल पहले तक यहां हर तरफ वीरानी दिखती थी। झुलसा देने वाली गर्मी साथ में बेहद कम बारिश ने इस इलाके को पथरीला रेगिस्तान सा बना दिया। लेकिन हालात तेजी से बदले। पानी और हरियाली के बिना बेचैन और तपती इस धरती पर अब लहलहाती फसलें दिखती हैं। खेती के उन्नत तरीके दिखते हैं। बीज और कलमी पौधे तैयार करने की बड़ी बड़ी नर्सरी दिखती हैं। हमारे यहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था इस खेती में, ये पूरे बंजर ही रहा था। यहाँ पर हम भरोलाल जैन साहब का टपक सिंचाई लगाया और उससे हमको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। अभी ये बहुत अच्छे पौधे तैयार हो गए ले और माल भी अच्छा है इनको, और इसको हमने खाद भी सब उस टपक सिंचाई से दिए है। देखिए इन भरभराते पानी के शॉकेट्स को, दूर से आपको खेतों में ये पानी के फवारे छोड़ते दिखाई देंगे। ये सब बड़े भाऊ भंवरलाल जैन की दूरदर्शिता से संभव हुआ। टपक सिंचाई से आपकी जो उत्पादकता है, आपका जो उत्पन्न है, वो सीधा दुगुना हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी क्यों नहीं आप दे दें, उतना दे दे तो मेरे लिए काफ़ी है। तो उसका कम से कम कपास का जो उत्पादन है वो मैं ला सकता हूँ। 5,000 लीटर भी उसको मिल जाते हैं, 10,000, 20,000, तो छोटे से अपने खेत में आधे एकड़ में, पाव एकड़ में वो अपना काम चला सकता है। जलगांव का ये गांधी शोध संस्थान नमूना है भाव की सोच का। समय की मांग के मुताबिक कम पानी में बेहतर से बेहतर प्रबंधन कर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने का। लेकिन ये सब एक दो दिनों में संभव नहीं हुआ। इस सपने को हकीकत में बदलने में 3 दशक लगे। इसे अमलीजामा पहनाने वाले बड़े भाऊ यानी भंवरलाल जैन 3 दशक पहले बैलगाड़ी पर मिट्टी का तेल बेचा करते थे। अपने परिवार की 3 पुश्तों की कमाई का बड़ा हिस्सा जो 7,000 के आसपास जमा हुआ उसे लेकर इन्होंने मध्यम स्तर की दुकान खोली अपने ही गांव वकोट में, और फिर इस दुकान में मिट्टी तेल और डीजल के अलावा
खेती के दूसरे सामान बेचने शुरू किए। 7,000 रुपये से मेरे करियर की शुरुआत हुई और वो 7,000 रुपये माँ ने दिए थे और इस फैमिली के 3 जनरेशन की वो सेविंग थी। जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में ये 3 जनरेशन में केवल 7,000 रुपया वो सेव कर पाए थे, उसको बचाए थे और रखे थे। महाराष्ट्र के जलगांव में छोटा सा गांव है वाकोट। इसी वाकोट में भंवरलाल जैन का जन्म 1937 में हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी गांव से ही हुई, लेकिन बड़े भाऊ ने बचपन से ही मन में कुछ अलग करने की ठान रखी थी, लिहाजा कानून और व्यापारिक गणित दोनों की पढ़ाई उतनी ही रुचि से की। अपने साथ समाज के बड़े तबके का भविष्य संवारने के लिए कानून की बारीकियों को जानना जरूरी था और परिवार की व्यवसाय परंपरा को आगे ले जाने, अपनी सोच को मूर्त रूप देने के लिए व्यावसायिक गणित भी उतना ही जरूरी था। वैसे वाणिज्य की भी पढ़ाई की और मैंने साथ साथ में लॉ भी किया। वैसे तो गवर्नमेंट के सर्विस में भी मेरे को पोस्टिंग आ गई थी, परंतु वो न सब कुछ करते हुए मैं इसमें गिरा। इसकी एक अहम कारण तो यह है कि मेरे माताजी ने मुझसे ये कहा, जब मैं उनसे पूछने गया, जब कंफ्यूज था, तो द्विधामन स्थिति में था कि क्या करूं कैसा करूं, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा ऐसा कुछ काम कर कि केवल तेरा पेट भरेगा, तेरे इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनका पेट भरेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो मूक जानवर हैं, ये जो पंछी है, ये जो खेती में काम करते हैं, इनके लिए भी ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि उनके दिल के ऊपर भी उसका कुछ असर हो, उनको भी कुछ खुशी मिले, ऐसा ही कुछ काम करना। आखिरकार बड़े भाऊ ने गांधी जी के रास्ते पर चलकर अपने बूते कुछ करने की ठानी। दिमाग में ये संकल्प ले लिया कि जो भी करूंगा खांटी स्वदेशी होना चाहिए। भाऊ यानी भंवरलाल जैन ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। दुकान में प्लास्टिक के पाइप के बाद पारिवारिक सहयोग से पहले कुछ गाड़ियां, खेती के सामान और पंपिंग सेट की एजेंसी ली। व्यवसाय तो चल निकला, लेकिन मन नहीं माना। भाऊ ने मन की सुनी और 1963 में पहली बार छोटे स्तर पर पीवीसी पाइप बनाने की यूनिट के तौर पर दूसरे फेज में पांव रख दिया। साथ में अपारंपरिक सिंचाई, अपारंपरिक ऊर्जा के उस क्षेत्र में अपना पैर जमाया जो पारंपरिक उद्योग से बेहद अलग था। जब हम इसमें से चलते रहे, गुजरते रहे, तो हमको गांधी जी का बड़ा एक प्रेम निकला और गांधी जी के बारे में पहले भी पढ़े तो थे, पर उतना लगाव नहीं था जब तक मैं कृषि से नहीं जुड़ा। जब कृषि से जुड़ा, जब गांवों से जुड़ा, खेतों से जुड़ा, तब गांधी जी जो जो बोलते थे कि इस देश का जो सच्ची आत्मा है वो किसानों की है, सच्ची आत्मा है वो एक विलेजेस में है, उसका अर्थ मेरे को तब लगा जब मैंने सोचा। कुछ विकसित देशों को छोड़ दें तो दुनिया के बड़े हिस्से में इस पर बातें ही हो रही थी, लेकिन बड़े भाऊ ने चुनौती को स्वीकार किया। इसका असर ये हुआ कि 1963 में 10 लाख रुपए की उनकी कंपनी 1978 आते आते 1,110 लाख की कंपनी हो गई। भाऊ चल पड़े, उनके साथ हजारों परिवार की जिंदगी चल पड़ी। ये सिलसिला फिर थमा नहीं। बड़े भाऊ की इसी देन के लिए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा है। एक सिर्फ मैं मेरा जो इरादा है आपसे जाहिर करना चाहता हूं कि अपने किसानों को कोई तरह से कम न समझते हुए उनको अच्छे से अच्छे तकनीक को लाना
उनके लिए उसको ढालना अपने ढांचे में और आगे रखना किसानों के, ये मेरे जीवन के आखिरी के क्षण तक मैं करते रहूँगा। और केवल मैं नहीं, मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी, चारों बच्चे भी इसी में लगे हुए हैं और उनके जो बेटे हैं, मेरे जो पोते हैं, वो भी इसी काम में लगे हुए रहे हैं। केवल ये नहीं, पर एक 10,000 लोग, 1,000 तो बाहर है, इस देश के बाहर है, पर 9,000 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सभी इसी भावना से प्रेरित है। भंवरलाल जैन की कंपनी टपक सिंचाई के लिए हर चीज मुहैया कराती है। सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स, रबर सॉकेट्स, पंप, मतलब हर वो चीज जिसकी जरूरत है। इतना ही नहीं, खेती के जैविक तरीके को आगे बढ़ाने के लिए फसल के दौरान इस्तेमाल के लिए जैविक खाद भी किसानों को दिया जाता है, मतलब उन्नत और सफल खेती के लिए हर जरूरी सहायता। ऐसा एक दो परिवारों के लिए नहीं, हजारों परिवारों के लिए। बहुत साल 20 सालों से केली की खेती कर रहा हूँ, तो पहले हम केली ऐसे लगाते थे कि उसको हाथ से पानी भरते थे जमीन से, जब कोई दूसरी सुविधा नहीं थी। पर भंवरलाल जैन ने फिर बीच में टपक सिंचन की, ठिबक की नली बनाई, तो उसका तंत्रज्ञान हमने लिया और हमारे खेत पर चालू किया। तो जब से पहले उत्पादन में और अभी के उत्पादन में हमें बहुत फर्क आता है। अभी पहले बहुत कम उत्पादन आता था, अभी बहुत ज़्यादा उत्पादन आता है। और टपक सिंचन की वजह से माल एक्सपोर्ट क्वालिटी और A1 क्वालिटी का आता है, इसलिए व्यापारी खुद होकर हमारे पास आते हैं माल ले जाने के लिए। देश में एक अच्छा काम केले के खेती में करने का सौभाग्य हम लोगों को जैन साहब के प्रयास से और उनके विजन से मिला, ये भी यहाँ नमूद करना जरूरी है। यूपी जैसे क्षेत्र में जहां किसानों को कभी उन्होंने ये नहीं देखा था कि हम केले की खेती गोल्डन रीजन ऑफ यूपी में कर सकते हैं, जहां केले की खेती कभी इतिहास में नहीं हुई, इस प्रकार का मॉडल जैन साहब ने किसानों को दिया कि आज हमारा यूपी का फार्मर भी 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए की केले की फसल निकाल रहा है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और इम्पैक्ट हम इस चीज को बोलते हैं, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जैन साहब के तंत्रज्ञान से, जैन साहब के विजन से और उनके एफर्ट से क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को एड्रेस करने का तंत्रज्ञान जैन साहब ने विकसित किया और उस तंत्रज्ञान से आज हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व के केले को एक प्रोटेक्शन जैन साहब के तंत्रज्ञान से मिल रहा है। तो इतना बड़ा सोशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जैन साहब का इस क्षेत्र में रहा है, जिसने किसानों का ही लाइफ नहीं, मजदूरों का ही लाइफ नहीं, हमारे जैसे एक्सपर्ट का लाइफ, हमारे जैसे आज 25 लोग यहां PhD है, 450 लोग यहां BSc MSc एग्रीकल्चर होके काम कर रहे हैं, हमारे जैसे जो टेक्नोक्रैट्स है उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया। इंटरनेशनल एक्सपोजर देके इन हमारे जैसे लोगों के करियर को बिल्टअप किया। बड़े भाव की इसी देन के लिए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा है। वैसे भंवरलाल जैन को दुनिया भर से इतने पुरस्कार मिले हैं कि गिनती कम पड़ जाती है। आइए एक नजर बड़े भाऊ को मिले सम्मान पर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 7, भारत सरकार से पुरस्कार 108, महाराष्ट्र सरकार से पुरस्कार 42, राष्ट्रीय स्तर पर अलग से पुरस्कार 2, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थानों से पुरस्कार 9, और इस तरह कुल 206 पुरस्कार। तो इसके लिए हमको इस कृषि ने एक कुछ ऐसा प्रेम में बांध लिया और हम शुरू कर दिए। तो बैलगाड़ी तो मालूम ही थी, क्योंकि बैलगाड़ी के ऊपर बैठते ही तो गांव में से नजदीक का बड़ा गांव जो था वहां टूरिंग टॉकीज में जाके सिनेमा देखने के लिए जाते थे, उस टाइम में भी जाते थे, और कब कब पाँव पाँव चले जाते थे, कभी साइकिल पर चले जाते थे। तो कृषि के लिए अपने दिल में एक जगह होना, मेरे ख्याल से ये तो सबके लिए बहुत जरूरी है।
बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो जो खाते हैं रोज वो कहाँ से आता है। यदि आप किसको पूछो बम्बई में कि भाई ये दूध कहाँ से आता है, तो वो बताएंगे क्या, वो आरे कॉलोनी से आता है। उनको मालूम नहीं है कि गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, ये उनको मालूम नहीं है। वो तो देखते ही वो बॉटल है और उसमें से तो पीते हैं। तो क्या आदमी इस तरह से जिंदा आनंद से रह सकता है कि वो जो खा रहा है वो भी उसको पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो हमने तो ये सोचा कि भाई ये जीवन में आनंददायी घटना है, क्रिएटिविटी की एक बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या मिलना और क्या नहीं मिलना, क्या साथ में ले जाएंगे, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं। इस देश को जिस भंवरलाल जैन यानी बड़े भाऊ ने पानी का मोल समझाया, पानी की एक एक बूंद की कीमत याद दिलाई और कामयाबी के रास्ते पर चलना सिखाया, वो बड़े भाऊ इसी साल फरवरी के महीने में हर किसी को अलविदा कह गए। उनकी महानायकी को कैमरे में कैद करते वक्त उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी और कहा था वो खुद एक किसान है और किसानों की परेशानी देख उनका दिल हमेशा दुखी हो जाता है, और ये बात सच है। भंवरलाल जैन जब तक जिंदा रहे, किसानों के बीच रहे, उनके सुख में दुख में हमेशा हम सफर बने रहे। बड़े भाऊ ने जो किया वो किसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए किया। ईश्वर इस महानायक की आत्मा को शांति दे, उनके प्रयासों को और गति दे। हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं, अपने वे हैं जो सदियों से पीड़ित एवं उपेक्षित हैं। इस मजबूत विचार के इर्द गिर्द ही इस महानायक ने अपनी पूरी जिंदगी का ताना बाना बुना। आधुनिक युग के ददीची कहे जाने वाले नाना जी की यही सोच आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। नाना जी देशमुख ने एकात्म मानववाद के आधार पर ग्रामीण भारत के विकास की रूपरेखा बनाई और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए।